प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं खुदा का दास और आज एक फिर परमेश्वर के कलाम से एक गहराई के वचन को लेकर आया हूँ। और इन दिनों में है ना, लॉकडाउन के कारण बहुत ऐसे हमें कॉल्स आ रही है दूसरे स्टेट, दूसरे कंट्री से, और हम लोगों की जब प्रॉब्लमें सुनते हैं तो फिर हम उनसे बातचीत जब करते हैं तो उनका जब बेस चेक किया जाता है कि वो कैसे प्रार्थना करते हैं, कैसे उनकी गॉड के साथ, परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप है, या किन शब्दों का वो प्रयोग करते हैं, या अपने विश्वास के अंदर परमेश्वर के वचन को जो पूरा करते हैं कैसे करते हैं। तो इसीलिए आज हम एक खुदा के कलाम की, परमेश्वर के वचन की एक बात को समझेंगे जो बहुत सारे बिलीवर्स के लिए एक कन्फ्यूज़न का विषय है। सही से वो परमेश्वर के वचन को ना समझकर, जानकर परमेश्वर के सामने दूसरी चीज़ प्रकट करते रहते हैं, जिसे हम कह सकते हैं नेगेटिव चीज़। तो ये वचन है लूका की बुक में, लूका 18 अध्याय, और आप लोग इस वचन को बहुत अच्छे से जानते हो क्योंकि ये बहुत वचन चर्चेस में प्रचार होता है। तो अभी हम इस वचन को पढ़ेंगे, लूका 18 की एक, ये प्रार्थना का विषय है। तो क्या विषय है, अभी हम इसको पूरा पढ़ेंगे और आप सुनना ध्यान से। हिंदी में ऐसे लिखा, 18 की एक, फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना चाहिए, हियाब ना छोड़ना चाहिए, और उनसे ये दृष्टांत कहा। फिर से पढ़ेंगे, फिर यीशु ने इसके विषय में के नित्य प्रार्थना करना और हियाब ना छोड़ना चाहिए उनसे ये दृष्टांत कहा। आगे लिखा, किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो ना परमेश्वर से डरता था और ना मनुष्य की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। कुछ समय तक तो वह ना माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, जद भी मैं ना परमेश्वर से डरता और ना मनुष्यों की परवाह करता हूँ, तो भी ये विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा, कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरी नाक में दम करे। और शे में लिखा, प्रभु ने कहा, सुनो, ये अधर्मी न्यायी क्या कहता है, इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं, क्या वह उनके विषय में देर करेगा। तो हमने ये 7 तक हिंदी में पढ़ा, पंजाबी में भी पढ़ेंगे। और पंजाबी के वचन में ऐसे लिखा है, उसने मतलब यीशु ने उन्हां नूं इस मतबल का एक दृष्टांत दिता, जो सदा प्रार्थना विच लग्या रहना अते सुस्ती नहीं करनी चाहिए। अब वहाँ पर लिखा था हियाब ना छोड़ना, और यहाँ पर लिखा है सुस्ती नहीं करनी चाहिए। और आगे लिखा एक दृष्टांत देता दोनों तरफ ही, कि किसे नगर विच एक हाकम सी जिन्नू ना परमेश्वर दा पै और ना मनुखां दी परवाह सी, अते उसे नगर विच एक विधवा सी, अते ओह उसदे कोल ए कहंदी आउंदी सी, जो मेरे वैरी तो मेरा बदला लै दे। किन्ना को चिर तां उन्हें ना चाया, पर पिछों अपने मन विच कहा कि भावें ना मैं परमेश्वर दा पैर रखदा और ना मनुखां दी परवाह करदा हाँ, तां वी इसलिए जो ए विधवा मैनू जिच करदी है और मैं उहदा बदला लै देंगा, अजिहा ना होवे जो ओह घड़ी मुड़ी आन के मेरा सिर खावे। ये पंजाबी दे विच सिर खाना, मतलब जैसे कोई एक ही बात के लिए बार बार बोलता रहे तो ये कहेगा तुम क्यों मेरा सिर खा रहे हो। ये पंजाबी का एक मुहावरा है। तो आगे लिखा, प्रभु ने आख्या, सुनो ये बेनसा का हाकम की कहंदा है, फिर भला परमेश्वर अपने चुनिया दा बदला लेना देवेगा जेडे रात दिन ओदी दुहाई देंदे हन, भावें वह चोखा चिर दी जरदा है। ओके, तो अभी हमने दोनों वचन में पढ़ा, तो इनमें थोड़ा सा फर्क आया। एक तो यहाँ पर लिखा था नाक में दम, और पंजाबी विच लिखा सिर खाना।
और अक्सर ये क्या होता है, बहुत सारे इस समय अनुग्रह में, परमेश्वर की ग्रेस में, जो उद्धार की कलीसिया है, जो मसीह की देह है, वो लोगों को ये नहीं पता मैं अब मसीह की देह हूँ। और इस वचन को जैसे उन्होंने कहीं से सुना प्रचार में कि अगर तुम्हारा काम नहीं हो रहा, तुम्हारी बीमारी नहीं जा रही, तुम्हें जॉब नहीं मिल रही, तुम्हारी डिलीवरेंस नहीं हो रही, कोई भी काम नहीं हो रहा, तो जैसे पुराने नियम में कई जगह हम पढ़ते थे कि ऐसे लगे रहो उस बात के लिए, प्रार्थना में मांगते रहो मांगते रहो। तो आज ये लोग ऐसे, उनका उनके दिमाग में है कि जितना हम अपनी प्रार्थना में प्रभु को तंग करेंगे, बोलते रहेंगे, तो वो एक दिन हमारी पक्का सुनेगा। और आज इस प्रार्थना के हिसाब से, इस वचन के हिसाब से, वो लोग रात दिन रो रो के दुहाई देते रहते देते रहते देते रहते कि परमेश्वर हमारी सुनो, परमेश्वर हमारी सुनो, परमेश्वर हमारी सुनो, इस वचन के हिसाब से। लेकिन पंजाबी हिंदी कभी कभी ये, क्योंकि ये ट्रांसलेशन किया हुआ वचन है, इसलिए हमें ओरिजिनल टेक्स्ट की बातें और संदर्भ या फिर कॉन्टेक्स्ट को भी समझना बड़ा जरूरी है हमारे लिए, ताकि हम सही से विश्वास, सही से शब्दों को प्रयोग करके, सही नियम को प्रयोग करके अपनी जिंदगी में खुदा से अपने फल को ले सकें। याद रखना, तो अभी मैं कुछ बातों को आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनना। पहले परमेश्वर ने प्रभु यीशु में मत्ती शे अध्याय में प्रार्थना के बारे बताया था कि फरीसी और ग्रंथी, चौकों में खड़े होना, बाजारों में प्रार्थना करना उन्हें बड़ा अच्छा लगता है, और तुम ऐसा मत करो, तुम जब भी प्रार्थना करो अपनी कोठरी में जाओ, दरवाजा बंद करो, गुप्त में मन से अंदर से प्रार्थना करो, और तुम्हारा पिता जो गुप्त में तुम्हें देखता है तुम्हें फल देगा। और यीशु मसीह ने वही कहा था कि तुम बक बक ऐसे ऐसे शोर से, ऐसे दिखावे से प्रार्थना मत करो। यीशु मसीह ने वहां कहा था अन्य जाति इसलिए ऐसा करती है कि वो सोचते हैं कि मेरे ज्यादा बोलने से मेरी सुनी जाएगी, लेकिन परमेश्वर तुम्हारे मांगने से भी जानता है तुम्हारी क्या जरूरत है, स्वर्गीय पिता। तो यीशु ने ये कहा। और मरकस में यीशु ने कहा कि जब तुम प्रार्थना करो, मरकस 11:24 में, जब तुम प्रार्थना करो और प्रतीति कर लो, विश्वास कर लो, तुम्हें मिल गया तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। और परमेश्वर ने कहा मुझसे मांगो मैं तुझे दूंगा। लेकिन अब कितनी चीजें हैं, और अफिसियों 1:3 में लिखा मसीह में स्वर्ग की सारी आशीषें परमेश्वर ने मसीह में दे दी, दूंगा नहीं दे दी मसीह में। अब ये पॉइंट हम इसके साथ मैच करें तो नहीं होंगे। अब ये अलग अलग जगह पे हमने गए तो ये हमने कॉन्टेस्ट समझने की कोशिश की, जो हमारे लिए बड़ा जरूरी है, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे, वो आज है ना, जैसे यीशु मसीह जब तक मत्ती मरकस लुका यूहन्ना में शरीर में थे, तो उन्होंने कभी भी ऐसे प्रचार नहीं किया, कहीं भी नहीं लिखा कि उन्होंने कहा पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ये उन्होंने तब कहा जब यीशु मुर्दों में से जिंदा हुआ और चेलों के पास आ, तब एकदम से नई पॉलिसी उद्धार की बातें उन्होंने कहने शुरू की कि तुम जाओ सारी जातियों के लोगों में जाकर प्रचार करो और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो यीशु के क्रूस से चढ़ने से पहले कभी भी उन्होंने ऐसा शब्द यूज नहीं किया। तो भी याद रखना, ये यीशु मसीह का यहां पर जो दृष्टांत देना है, इसका क्या मतलब है। तो यहां पर यीशु मसीह का दृष्टांत देने में हमें ओरिजिनल टेक्स्ट को भी चेक करना पड़ेगा। जब हम ओरिजिनल टेक्स्ट को चेक करते हैं तो ये जो नित्य प्रार्थना करना हिंदी में लिखा है और पंजाबी में भी लगातार प्रार्थना करना, लगातार प्रार्थना का मतलब होता है इंग्लिश में कॉन्टिन्यू प्रार्थना, कॉन्टिन्यू प्रे।
कॉन्टिन्यू शब्द मतलब बंद नहीं करना, बंद नहीं करना, उसको करते रहना। तो अगर हम 24 घंटे ले तो 24 घंटे कोई प्रार्थना कर सकता है? ये लगातार प्रार्थना का यह मतलब हो सकता है रोज करो। लेकिन सवाल ये है, क्या यीशु मसीह ने यहां पर जो शब्द यूज किया और हियाव ना छोड़ना, ये कौन से शब्द यूज किए थे? तो ओरिजिनल टेक्स्ट कहता है ये नित्य प्रे प्रार्थना करना, ये शब्द था यूनानी भाषा का प्रोस ओकोमाई, ये शब्द कौन सा था, और जिसका मतलब था विलिंग, जिसका मतलब था इच्छा, जिसका मतलब था डिजायर, जो यीशु मसीह ने, क्योंकि प्रे और डिजायर दो ही शब्द हैं, क्योंकि हम जब प्रार्थना करते तब तो भी अपनी इच्छा को परमेश्वर के सामने लेकर जाते हैं प्रार्थना में। लेकिन यहां पर जो यीशु मसीह ने शब्द यूज किया था वो था विलिंग, कि जो आप परमेश्वर से चाहते हो उस बात के लिए परमेश्वर के सामने तेज तेज अपनी इच्छा को बनी रहो, उस इच्छा को छोड़ना नहीं, हियाव छोड़ना नहीं, इच्छा को छोड़ना नहीं जो आप चाहते हो। तो अभी यहां पर आप मुझे बताओ, यीशु खड़ा होकर ये प्रचार कभी करेगा कि तुम जब भी मुझसे मांगो, तो पंजाबी के हिसाब से जब तक तुम मेरा सिर नहीं खाओगे मैं तुझे नहीं दूंगा। अगर पंजाबी के हिसाब से देखे तो वहां पर लिखा था यीशु ने कहा था कि उसने आधर्मी न्याय ने कहा ये मेरा सिर खा रही है, तो इस वचन के हिसाब से क्या हमें भी यीशु मसीह का सिर खाना पड़ेगा? या उसने लगातार जाके जाके जाकर उसके नाक में दम किया है ना, उसे ऐसे डिस्टर्ब किया, या उसे क्या कहते हैं, उसके नाक में दम करना, उसे परेशान करना। तो यीशु ये प्रचार कर रहे, तुम भी जब मुझे बहुत परेशान करोगे तब मैं तुम्हारी सुनूंगा। क्या ये शब्द है? क्या ये शिक्षा हो सकती है? ये याद रखना। अब यीशु मसीह ने कहा देखो आधर्मी न्याय क्या कहता है। तो आधर्मी भी एक बहन के लगातार उस काम के लिए जो वो चाहती थी उससे, क्योंकि उस नगर का न्यायी दूसरा नहीं था, तो लगातार वो हट करके बैठ गई कि मैंने अपना काम लेना है, चाहे वो बुरा कह रहा है, या उसे गाली दे रहा है, या उसे कह रहा मैं नहीं करूंगा। और यीशु मसीह ने कहा देखो वो बदल गया पापी इंसान। तो क्या परमेश्वर ऐसा है? क्या परमेश्वर पापियों की तरह है कि जब उसके कोई नाक में दम करता है तब सुनता है? तो यहां पर दुहाई शब्द, अगर हम ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़े तो उसका जो नाम है, इस शब्द को जो इंग्लिश में ट्रांसलेट किया तो क्राई शब्द है। क्राई, क्राई शब्द का मतलब था क्राई आउट, मतलब तुम्हें है ना उस बात के लिए दुख में रहकर, पीड़ा में रहकर बने रहना, अपनी उस बात के छोड़ना नहीं है, क्राई आउट। लेकिन ये सही शब्द ट्रांसलेशन नहीं हुआ, क्योंकि जब हम मूसा को देखते हैं उस समय जब निर्गमन 14 अध्याय में लाल समुद्र के पास खड़े थे, तो वहां पर इजरायली फालतू बातें करने लगे, तो मूसा ने वहां पर लिखा कि परमेश्वर को दुहाई दी, और परमेश्वर ने निर्गमन 14:15 में ऐसे कहा तुम क्यों मेरी दुहाई दे रहे हो, उठ इस लाठी को समुद्र पे मार। तो मतलब एक अधिकार को यूज करने की बात कही परमेश्वर ने पुराने नियम में, वहां पर दुहाई शब्द को काटा, और यहां पर भी परमेश्वर दुहाई शब्द को यूज करें। लेकिन अभी आपको ये समझना बड़ा जरूरी है, अभी जो कलीसिया में प्रार्थना का विषय गड़बड़ चल रहा है लोगों के बीच में, लोग नेगेटिव शब्द यूज करते हैं, अपनी प्रार्थना को अजीब तरीके से करते हैं, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि प्रभु में करना क्या है। तो अभी मुझे ये बताओ, क्या महान परमेश्वर जो सब कुछ जानता है, जिसने सब कुछ बनाया है, वो ऐसी टीचिंग दे सकता है कि जब तक तुम मेरा सिर खाओगे नहीं
तुम मुझे पीड़ा नहीं दोगे, डिस्टर्ब नहीं करोगे, मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा। जबकि नए नियम में यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने के द्वारा हम पर ग्रेस को कर चुका है, अनुग्रह को कर चुका है, इस समय बाइबल कहती वो तुम्हारी मसीह में सुन चुका है। और यीशु मसीह ने भी क्रूस के ऊपर कहा था, इट इज़ कंप्लीट, मैं सब कुछ पूरा कर चुका हूँ। अब अगर हम इसके हिसाब से जैसे हमने सीखा है रो रो के दुहाई देते रहेंगे रोज़ रोज़, परमेश्वर तुम मेरी सुनो, मैं पापी हूँ, कब मेरी सुनोगे, मेरी सुनो परमेश्वर, मुझे क्षमा करो, मेरी सुनो, तो शैतान आपके जीवन में काम करता रहेगा, अपनी आपकी आशीष को रोक देगा। क्यों? क्योंकि आपने सिद्ध नियम से, सही नियम से प्रे नहीं की। जो अभी परमेश्वर का नियम है अनुग्रह में, वो आपने नहीं किया। वो आपको क्या करना है, जो आप चाहते हो, क्योंकि मसीह में सब कुछ अवेलेबल है, जो आप परमेश्वर से चाहते हो उसके लिए रोज रोज, क्योंकि फिलिप्पियों भी 4:6 में लिखा है, तुम अपनी किसी भी बात की चिंता मत करो, वहां पर फिलिप्पियों 4:6 में लिखा, तुम किसी भी बात की चिंता मत करो, तुम्हारी निवेदन प्रार्थना और विनती धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने उपस्थित किए जाएं, ऐसे लिखा। धन्यवाद क्या होता है, मतलब धन्यवाद का शब्द होता है हाँ, जो चीज हमें ये कहा गया कि, या संसार में जैसे किसी ने हमें पानी दिया तो मैंने बोला थैंक यू, अगर उसने अभी नहीं दिया तो मैं क्यों बोलूँगा, क्योंकि अभी तो उसने दिया नहीं, आपने पानी मांगा किसी से, घर से, मेंबर से, रिश्तेदार से, उसने नहीं दिया, तो आप बैठे हो, जब उसने दे दिया तब आप बोलोगे थैंक यू। तो परमेश्वर ने वहाँ का अपनी विनती प्रार्थना धन्यवाद के साथ, मतलब परमेश्वर का वचन आज हमें ये कहता है कि मसीह में सब कुछ पूरा हो चुका है, चिंगाई अवेलेबल है, डिलीवरेंस अवेलेबल है, हमारे शरापों से छुटकारा हो चुका है, हमारे बंधन तोड़ दिए गए हैं। अगर आप नेगेटिव प्रार्थना में लगे हुए तो शैतान आपके ज़िंदगी में उल्टा काम करता रहेगा, आप सोचते रहोगे मेरी कब प्रार्थना सुनेगा परमेश्वर। लेकिन आपको ये शब्द था विलिंग, इच्छा, जो यीशु मसीह ने कहा था कि जो कुछ तुमने प्रार्थना में मांगा है, जब मांग लिया तो परमेश्वर ने सुन लिया, उसके बाद वही बात के लिए रोना नहीं है, धोना है, रोना धोना नहीं है, रोज रोज नहीं कहना सुनो सुनो, परमेश्वर ने सुन लिया, आपने रोज धन्यवाद की प्रार्थना करनी है। अगर आपको बेबी चाहिए, एक बार मांग लिया या सेवक से प्रार्थना करवा ली, तो उसके बाद रोज रोज विश्वास करना है, धन्यवाद करना है, यस परमेश्वर, यस आपने मेरी सुन ली, आपने मेरे लिए पूरा कर दिया है। और उस बात के लिए ये शब्द कहता है डिजायर, चाहत में बने रहो, छोड़ो मत चाहत, ये नियम था, ना कि हमने यीशु मसीह का सिर खाना है या उसे उसकी नाक में दम करना है। क्या महान प्रभु ऐसा करेगा जो हमारे लिए क्रूस पर चढ़कर हमें दुख से, मौत से छुटकारा देकर। तो आज इस वचन की हमने कन्फ्यूजन दूर की, और अगर किसी को फिर भी समझ ना आए या किसी के माइंड में गलत बातें हैं, तो वो हमारे ये हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, हम उनसे बात करेंगे, उन्हें बताएंगे कैसे वचन पढ़ना है। तो ऐसे ही हम बहुत सारी वीडियोस बनाने वाले आने वाले दिनों में, अलग अलग जगह से जो वचन में कन्फ्यूज़न होती है और लोग सही से, क्योंकि प्रे का मतलब होता है एक रिलेशनशिप विद गॉड, एक अच्छा रिश्ता। अगर हम रो रहे हैं, चीखे मार रहे हैं, ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, तो ये अच्छा रिश्ता नहीं हो रहा है, ये पीस ऑफ लाइफ रिश्ता नहीं है। तो आज की टीचिंग से हमने ये आपको चाबियां दी, इसे लगाना, आप इसे ऐसे प्रैक्टिकल करना, देखना कुछ ही दिनों में अच्छे रिजल्ट आएंगे। और हम एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और मैं विश्वास करता हूँ आने वाले दिनों में आप बहुत सारी ऐसी वीडियो से बहुत ब्लेस होंगे, और इसको आगे भी शेयर करना ताकि बहुत सारे लोग इस कन्फ्यूज़न से निकले। अगर आपको कोई मिसगाइड करता है या मिसगाइड आप हो किसी वचन से, हमसे कॉन्टैक्ट करो, हमें आपको सही से कैसे वचन है ये बताएंगे। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल, और ये हेल्पलाइन नंबरों पे कॉन्टैक्ट करना अगर आप परेशान हो, बीमार हो, दुखी हो किसी भी बात के लिए, तो हम आपको बताएंगे क्या करना है। ओके, परमेश्वर आपको बहुत बरकत दे चुके यीशु मसीह के नाम से, आमेन।